सो हेलो गाइस, आज हम एक्टिंग के 9 इमोशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि 9 रस के बारे में, जिसमें आता है कॉमेडी यानी हास्य रस, सेकंड नंबर पर है करुण यानी कि सैड एंड क्राई, और एक आता है वीर रस यानी कि ब्रेव, और एक आता है रौद्र रस जिसका मतलब होता है एंग्री यानी गुस्सा, और एक होता है भयानक यानी फियर यानी डर वाला, और 6 नंबर पर है हमारा रोमांस यानी कि श्रृंगार रस, और 7वें नंबर पर आता है हमारा सरप्राइज यानी कि एकदम चौंक जाते हैं ना अपन वैसे वाला, और एक आता है डिसगस्टिंग यानी विभत्स्य, और लास्ट आता है हमारा 9वें नंबर पे पीस यानी कि शांत रस। तो मैं आपको 9 रस के आज मैं आपको एक ही डायलॉग को अलग अलग रस में बोलकर दिखाऊंगा। सबसे पहले हम कॉमेडी लेंगे, तो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, और वो डायलॉग रहेगा हमारा, उसके अंदर क्या बात कर रहे हो भाई साहब। अब मैं इसको आपको 9 अलग अलग इमोशंस में करके दिखाऊंगा। तो पहला इमोशन क्या है हमारा, कॉमेडी, तो कॉमेडी लेते हैं गाइस। अरे यार क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो भाई साहब। तो अब अलग इमोशन लेते हैं, अब ये सैड यानी क्राई। अब ये सैड हो गया हमारा, करुण रस हो गया। अब हम 3रे नंबर पे लेंगे हमारा वीर रस, तो वीर रस लेते हैं 3रे नंबर वाला। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, तो ये हमारा वीर रस हो गया 3रे नंबर वाला। तो अब हम रोते यानी एंग्री वाला लेंगे, ठीक है लेते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, तो ये हमारा एंग्री यानी कि रौद्र रस हो गया। अब लेंगे 5वें नंबर पे फियर यानी कि भयानक रस। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, तो ये हमारा वो भी हो गया भयानक रस यानी कि फियर। अब 6ठे नंबर पे आता है हमारा रोमांस यानी कि श्रृंगार रस, और मेरा की फेवरेट है क्योंकि शाहरुख भाई का ही फेवरेट है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, सही में हाय क्या बात कर रहे हो भाई साहब। तो ये हमारा रोमांस यानी कि श्रृंगार रस भी हो गया 6ठे नंबर का। अब हम 7वें नंबर पर लेंगे सरप्राइज यानी कि अद्भुत रस। पता नहीं क्या है, हिंदी मुझे कमजोर है मेरी थोड़ी, तो सरप्राइज बोल दूंगा इंग्लिश के अंदर, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। हैं क्या बात कर रहे हो भाई साहब, सही में हाँ, नहीं मुझे तो नहीं पता। तो ये भी हो गया 7वें नंबर का भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्गस्टिंग यानी कि विभत्स्य, है ना 8वें नंबर का ये, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको 8वें नंबर का भी। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, सगा होता है। तो ये भी हो गया 8वें नंबर का भी। और अब
नवे नंबर का आता है लास्ट, यानी कि पीस, शांत रस। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। तो मैंने आपको नौ रसों के बारे में बता दिया, ये एक्टिंग के बहुत ही जरूरी नौ रस होते हैं। अगर आपको नौ रस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगा रस के बारे में। और ऐसे ही एक्टिंग्स की टिप लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी को भाई एक्टिंग फील्ड के अंदर काम चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं सबको काम दिलाता हूँ और पैसे भी मिलते हैं गाइस। और याद रखिए, मुंबई में अगर आप काम कर रहे हैं तो आर्टिस्ट कार्ड होना जरूरी है। लेकिन आपको आर्टिस्ट कार्ड के बारे में मैं बता दूंगा कि आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है, आर्टिस्ट कार्ड कहाँ से बनाए, और ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अभी तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो एक बार इस वीडियो को मैं टारगेट देता हूं कि 1 लाख व्यूज पहुंचा दो गाइस, मेरा टारगेट है तो पहुंचा दो, मैं आपको 100% काम दिलाऊंगा। जिस भाई के भी ये ना 10 कमेंट आएंगे ना, तो मैं उस भाई को मैसेज करके अपना पर्सनल नंबर दूंगा। तो देखते हैं कौन कौन भाई अपने है ना 5 5 कमेंट या फिर 10 10 कमेंट करवाता है। और जिसने 20 कमेंट करवाए, अपने दोस्त से बोलना कि ये ना कि मेरा नाम है, जैसे तुम्हारा नाम राहुल है तो बोलना राहुल की तरफ से ये कमेंट है। तो अपने 20 दोस्तों से करवाओ, मैं तुम्हें शूटिंग पे लेके चलूंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं वादे का बहुत पक्का हूँ। तो चलिए गाइस, बहुत रात हो रही है, मैं भी बंद कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज, शब्बा केयर, स्टे विथ मी ऑन SSK सूरी फिल्म्स प्रोडक्शंस। बाय गाइस।